पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में कई महिलाओं ने मशहूर हस्तियों के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इस लिस्ट में नाना पाटेकर, आलोक नाथ, विकास बहल, साजिद खान जैसी मशहूर हस्तियां शामिल हैं। अब मीटू में एक और नाम आया सामने, वे है मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मिस इंडिया एक्ट्रेस और पूर्व मॉडल रही निहारिका सिंह ऐसी लेटेस्ट पर्सनालिटी है जिन्होंने बॉलीवुड में अपने साथ हुई यौन शोषण की घटनाओं को बताया है। उन्होंने ये सभी बातें एक जर्नलिस्ट के साथ शेयर की है जिन्होंने कई सारे ट्वीट करके इन सारी बातों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। निहारिका ने बताया है कि जब वे इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी तो उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी थी। पूर्व मिस इंडिया रही निहारिका सिंह ने अपनी लंबी पोस्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, साजिद खान, भूषण कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। निहारिका मिस लवली की शूटिंग के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिली थी। नवाजुद्दीन के बारे में निहारिका ने कहा, एक बार नवाज पूरी रात शूट कर रहे थे और उन्होंने सुबह मुझे मैसेज किया कि वे मेरे घर के नजदीक है, तो मैंने उन्हें नाश्ते के लिए इन्वाइट कर लिया। जब मैंने घर का दरवाजा खोला तभी नवाज ने मुझे अपनी बाहों में जोर से पकड़ लिया। मैंने उन्हें हटाने की कोशिश की लेकिन थोड़ी देर की जबरदस्ती के बाद मैंने अपनी कोशिश छोड़ दी। मैं नवाज के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि उनका सपना है कि उनकी पत्नी भी परेश रावल या मनोज बाजपेयी की पत्नी की तरह एक्ट्रेस या मिस इंडिया हो। नवाज की ये बात थोड़ी फनी लेकिन प्यारी लगी थी। इसके बाद निहारिका बताती है, कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि नवाज के कई महिलाओं के साथ अफेयर है, यहाँ तक कि उन्होंने हल्द्वानी में एक महिला से शादी भी कर रखी है जिसने उनके ऊपर दहेज मांगने का आरोप लगाया था। एक औरत ने मुझे फोन किया और मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। इसके बाद मैंने नवाज के साथ अपनी रिलेशनशिप को खत्म करने का फैसला लिया। निहारिका ने अपनी पोस्ट में ये भी बताया कि बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के दौरान किस तरह से साजिद खान और भूषण कुमार ने उनसे फिल्में ऑफर करने के बदले नजायज मांगे की थी। साथ ही निहारिका ने मयंक सिंह के साथ अपनी सगाई टूटने की कहानी भी शेयर की है। हालांकि कुछ समय पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी अपनी रिलेशनशिप के बारे में काफी ऐसी विवादित बातें लिखी थी जिन पर विवाद होने के बाद उनकी किताब वापस ले ली गई है। नवाज ने भी अपनी इस किताब में निहारिका के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में विस्तार से लिखा था। माहौल देख के तो लग रहा था कि अब मी टू खत्म हो चुका है लेकिन निहारिका सिंह की इस खास रिपोर्ट ने एक बार फिर बॉलीवुड में आग लगा दिया। अभी तक को एक्ट्रेसेस के तरफ से मी टू का शिकायत आ रही थी, अब एक्स गर्लफ्रेंड भी मी टू में खुद को शामिल कर रही हैं। तो ना जाने अब कितने दिग्गजों की नाम सामने आना बाकी है। मी टू पर आपका क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बॉलीवुड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें चैनल टेक मस्ती, हिट द बेल बटन एंड गेट द नोटिफिकेशन।